दर्शक मित्रों प्रणाम वंदे मातरम। जयरे कोई ने लंग्स में तकलीफ हो अने एमा पण डॉक्टर एवं कहे कि आपको क्या तकलीफ है लंग्स में? लंग्स में मेरे को गांठ है, यानी कि वो कैंसर की गांठ बताई गई बायोप्सी रिपोर्ट कराने के बाद जी। हाँ। तो उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई तुमको कीमोथेरेपी लेनी पड़ेगी। हाँ। और उसके बाद में सर्जरी करनी पड़ेगी। हाँ। तो फिर मैंने सर्जरी नहीं कराई और ना कीमोथेरेपी ली जी। और मैं सर्वपति योगालय में, अच्छा। किसी ने मेरे को बताया था, अच्छा। मैं इधर आया हूँ। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ से जो दवा चालू करी है। हाँ। कितना टाइम हुआ? मेरे को ये 5 महीने हुए। अच्छा। 5 महीने के अंदर मेरे सब तकलीफ दूर हो गई है जी। मेरे को पहले मैं चल नहीं सकता था, फिर नहीं सकता था और सीढ़ी नहीं चढ़ सकता था, सांसें फूलती थी। हाँ, सांसें फूलती थी। और अभी मैं अहमदाबाद से अकेला आया हूँ, 4 महीने से मैं अकेला आ रहा हूँ। अरे पहले महीने तो मैं गाड़ी करके आया था। अच्छा। और अभी अकेला आता हूँ, अकेला जाता हूँ। हाँ। और मेरे को अभी कोई तकलीफ नहीं है, सर्वपति योगालय से की दवा। आपने ड्यूटी पहले तो छुट्टी पर थे आप? हाँ। और ये यहाँ का ट्रीटमेंट शुरू किया, हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब ने आपको ट्रीटमेंट दिया। हाँ। तो फिर आपकी ड्यूटी शुरू हो गई? नहीं, मैंने 1 महीने बाद ड्यूटी शुरू हुई। एक महीने दवाई लेने के बाद ड्यूटी शुरू हो गई। हाँ, ड्यूटी शुरू। कहाँ से कहाँ आप? मैं अहमदाबाद चांदखेड़ा से। हाँ। मेहसाणा अप डाउन करता हूँ रोज। हाँ, डेली अप डाउन करता हूँ। कितना किलोमीटर? ये लगभग 70 किलोमीटर है। रोजाना अप डाउन करता हूँ? रोजाना अप डाउन करता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको? कोई दिक्कत नहीं। कमाल है, थैंक यू श्री बाबा। अभी ऑल राइट हो? हाँ, अभी मैं एकदम ऑल राइट हूँ। और अभी अकेला अप डाउन कर रहा हूँ, वरना मेरे को गाड़ी करके लेके आना पड़ता था यहाँ। अच्छा, अच्छा। और अभी मैं खुद बस के अंदर ट्रायल करके आया हूँ। अच्छा। और दवा लेके फिर वापस जाऊँगा अहमदाबाद। बहुत बढ़िया। तो ये आपको जो आपके डिसीज में है, राहत हुई है, अच्छा हुआ है। और आपने पिछली बारी तो बाहर हॉल में बैठी पब्लिक के सामने भी लेक्चर दिया था, आज हमने आपका शूटिंग भी किया है। तो क्या ये शूटिंग हम हमारे अलग अलग चैनलों पर बता सकते हैं? हाँ, जरूर जरूर बता सकते हैं। और मैं तो बोलूँगा कि हर जगह बताना चाहिए, क्योंकि ये शूटिंग देखेंगे लोग तो उनको दवा कराएंगे तो एकदम ठीक हो जाएंगे। आपको मना कीमो नहीं लेनी पड़ी, ऑपरेट नहीं कराना पड़ा? हाँ, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा। ठीक है। कोई व्यसन था आपको? हाँ, व्यसन था मेरे को, वाइन पीता था मैं। अच्छा अच्छा। और तम्बाकू वगैरह? हाँ, तम्बाकू खाता था। तो अभी वो चालू है कि बंद है? नहीं, अभी बंद है। बंद है ना। चलो, पूरा श्रेय में भगवान शिव के चरणों में अर्पित करता हूँ। प्राणों से भी अधिक प्रिय मेरी जगत जननी भारत माता को प्रणाम करता हूँ। और इस विषय का पूरा श्रेय भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करूँगा। और भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में इतनी खुशी आ जाए, इतनी खुशी आ जाए, आपका परिवार बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। वंदे मातरम।